हेलो दोस्तों, आज मैं ब्रेड पकौड़ा घर पे बना रहा हूँ। उसके लिए मैंने एक पैकेट ब्रेड लिया है, ऊपर वाले हिस्से को साइड रख के बाकी ब्रेड को हाथ से इस प्रकार से दबाते हुए कॉर्नर से कट कर लेना है। देखिए, हाथ से दबाना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा ब्रेड टूटे नहीं। मैंने एक साइड से कट कर लिया, दूसरे साइड से भी इसे कट कर लेंगे। अब देखिए, हमारा ब्रेड दूसरे साइड से भी कट हो चुका है और देखिए ये ट्राइंगल शेप में कट चुका है ब्रेड, एकदम बिल्कुल ट्राइंगल शेप में है ना दोस्तों। अब मैं इसे साइड में रख दूंगा। साइड में रखने के बाद एक बर्तन में मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन, मैंने एक पिंच यहाँ पे खाने वाला सोडा लिया है ताकि हमारा ब्रेड पकौड़ा अच्छे से फूले। फिर बेसन को अच्छी तरह से मिला लिया है सभी मसाले को, फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। देखिए, बेसन को तब तक फेंटे जब तक इसका लम्स वगैरह निकल ना जाए। देखिए, हमारा बेसन एकदम बेटर परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है पकौड़े के लिए। अब मैंने ब्रेड के सभी स्लाइड को एक एक करके इसमें डाल दिया है और कोट करते हुए इसे कढ़ाई में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। देखिए, मैंने लगभग आधा ब्रेड इसमें फ्राई होने के लिए डाल दिया है। हमारा ब्रेड एक साइड से फ्राई हो चुका है, अब इसे स्टेनर की मदद से पलट देंगे। पलटने के बाद देखिए, हमारा ब्रेड दूसरे साइड से भी फ्राई हो चुका है। अब इसे हम स्टेनर की मदद से निकाल के छान लेंगे इसका ऑयल ताकि निकल जाए। दोस्तों, आप इसे चटनी या चाय के साथ सर्व करें और थोड़ा हमें कॉमेंट कर बताएं ये रेसिपी कैसे लगी, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।